सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बैक विद अनदर ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद आ रहा है बिकॉज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। एंड अभी मैं खा रही थोड़े फ्रूट्स। तो यहाँ पापा ने मेरा पपाया काट रखा है और ये है मेरे फेवरेट अनार। सो गाइज, ये तो बहुत ट्रू चीज़ है कि आपका कॉलेज के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। एंड मैं ऐसे छुट्टी मारती नहीं हूँ, बट मिको आई एम नो इज़ नॉट वेल, मैंने इसलिए छुट्टी ली। बट हैज मैं नहावा के आ चुकी हूँ एंड अभी मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ घर पे, तो मैंने सोचा लेट्स शूट ओनली। एंड दूसरी चीज़, मिको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था फॉर अ यूट्यूब हॉल ऑफ विंटर या स्किन केयर, तो मुझे यूट्यूब हॉल का बहुत ज़्यादा आया था तो इसलिए मैं यूट्यूब पे रिवील करी, इंस्टा पे मैंने वो पोल का रिजल्ट नहीं डाला। तो उसका हॉल भी आएगा 2-3 दिन में। अभी मेरा ना एक वीकेंड आने वाला है, उस पर मैं सब कुछ बनाऊंगी। बट आई थिंक बींग रेगुलर ऑन यूट्यूब मुझे होना पड़ेगा, ठीक है। एंड बाकी इंस्टाग्राम फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स रिवील कर रही हूँ मैं। एंड आगे से तो कर भी चुकी हूँ जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ। एंड मेरे को ना काफ़ी लोग स्किन केयर के लिए पूछते हैं, मेरे को तो कॉलेज में भी कल बहुत लोगों ने बोला था ना, छुट्टू से तो एक बार ना नज़र सी लग जाती है, नज़र तो नहीं लगती टच वुड, बट हाँ ठीक है। मैं गाइस बहुत ज़्यादा स्किन केयर यूज़ नहीं करती, मेरे पास जो ब्रांड से प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो एक वे होता है उनको यूज़ करने का भी। ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ब्रांड आपको सूट करता है एंड कौन सा सूटेबल है आपके लिए। आप कोई भी ब्रांड नहीं उठा सकते। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको सिर्फ अपने पेज पे दिखाना होता तो वो कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करती। मैंने टच वुड, अपनी मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं कोई भी चीज़ अगर यूज़ करूँ ना गाइस तो बहुत सोच समझ के करती हूँ। प्लस मैं अपने व्लॉग्स में फ़िल्टर नहीं डालती हूँ, नॉन फिल्टर लाइफ ही जियो, जैसे हो वैसे ही दिखाओ दिखाओ। धूप के बाद भी अगर आप देखोगे तो मैं ऐसी ही हूँ ऐसे। तो यस, अब मैं ना सोने बहुत जल्दी लग गई हूँ तो मेरे को ना थोड़ी सी फीलिंग्स डार्क सर्कल्स की हो रही थी, टच वुड कभी हुए नहीं है बट हाँ। और बाकी मेरे को ठंड नहीं लग रही, मेरी मम्मी मुझे डांटेगी कि तू शॉर्ट्स पहन के क्यों रखी है, बीमार हो जाएगी, ठंड ऑन एंड ऑन ऑफ हो रही है। बट हाँ, ये थोड़ा सा शेड्यूल था एंड मम्मी चली गई मासी के घर तो मेरे को काम अभी खुद ही, मतलब मेरे को क्या काम हमारी दी है, शी डज ऑल द वर्क। बाकी फिर भी जो जो मैं छोटी छोटी क्लिप जो भी कवर अप करवा सकूँ करवाऊँगी, बिकॉज जनरली आई एम नॉट वेल, तो वो मैं कैसे बताऊँ कि जितना जितना व्लॉग बन पाएगा। मैंने सोचा आज मैं कवर अप कर लेती क्योंकि मैं घर पर हूँ। सो हेलो गाइस, तो मैं थोड़ा देर व्लॉग भी बना पाई बिकॉज मैं सो गई थी। एंड मेरी ठंड आप देख सकते हैं, मम्मी गुस्सा कर रही है, मैंने बताया था। तो अभी ना मैं कुछ बना रही हूँ, लाइक थोड़ा ट्राई कर लेते हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लूँ एंड आपको मैं पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी मैं क्या बनाने वाली हूँ। बेसिकली कुछ चीज़ रिलेटेड ब्रेड कुछ बना रहे हैं हम। सो मेक श्योर पूरा व्लॉग आप लास्ट तक देखो। हमें एक ब्राउन ब्रेड चाहिए होगी विद बटर, चीज और ये फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल। एंड हम इसके बाद आपको प्रेजेंट करेंगे। तो गाइस आप अपनी चॉइस ऑफ ब्रेड ले सकते हो, लाइक आई एम डूइंग विद द वाइट, यू कैन डू विद ब्राउन आल्सो। मैं इसको इस पे रख रही हूँ, आप किसी भी बोल्ड से पैलेट पे रख सकते हो इफ यू वांट टू। अब इसको ना ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है, ताकि दिखे। तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं ज़्यादा प्याज खाती हूँ। चीज़ आप कोई भी ले सकते हो, मैं मोज़रेला ले रही हूँ।
इसी से करना है ना। नीचे हो रही है। उल्टे ऐसे ऐसी हुआ है। हाँ मुझे पता नहीं था। ग्रोइट कर लिए है सब्जी ठीक है ना? और तो नहीं डालू ना? मुझे पूछ रहे हो आपसे पूछिए सब्जी ठीक है इतनी? आपको कितनी खानी है? ज्यादा तो नहीं तो इतनी ठीक है। फैला क्यों नहीं दिया? ऐसे दे दिया बीच में। थोड़ा फैला देते तो वो पिघल के खुद चीज चल जाएगी ना। खुद चली जाएगी पिघले ही नहीं चीज। अभी ये बटर है? ये बटर है। अबे इसमें से चीज निकाली है ना मैंने। हमें थोड़ा सा बटर डालना पड़ेगा इस पे। अब जैसे बना रहे हो ना गाइस जो पूछेगा तो आपको खाना आता नहीं पर मैं ट्राई कर रही हूँ। अब हम एक ट्राई करेंगे और वो वाली ये इस पर हम डाल देंगे और अब इसको हम टाइम देंगे पूरा ताकि अच्छे से हो जाए। हाँ मतलब जैसे ये पिघल जाती है जितना इतना ही तो गाइस हम इसको होल्ड रखेंगे जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाती है ना उसके बाद में। तो गाइस हम जॉब थोड़ा बन बन जा रहा है एंड शेफ के किचन में आपको स्वागत है। गाइस फर्स्ट टाइम इतना बकवास हुआ है नहीं जल चुका है। एमरजेंसी ऑर्डर बता दिया। सो गाइस फाइनली हमारा बिल्कुल सही उतरा है। ट्राई बट डोंट क्राई बना लिया मैंने। बग्गू गाइस मैं भी आई। मेरी बहन ऐसे गाने सुन रही। मैंने ऐसे करके बाप कर दिया और पैसे डर गई। दिखाना चाहूंगी मैं थोड़ा शक्ल अच्छी नहीं। वो तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं है पर स्टिल ये इस इन चीजों में थी। इस कानों में लगाते से पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रही हूं। आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।